आईपीएल 2022 का 17th मैच जो ही खेला जाएगा सनराइज हैदराबाद पंजाब किंग्स के बीच। आपको इस जुड़े दो टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और सबसे खास बता आपको इस जुड़े पर्सनल मैच प्रीडिक्शन बताएगा मुझे क्या लगता है इन दोनों कौन सी टीम जो इस मैच को जीत सकती है। तो वीडियो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली देख लेते हैं उस मैच के बारे में, कोई और दूसरी देखनी जो जो नहीं पड़ी तो वीडियो को उससे पहले अभी कर चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्रीदी भाई के बारे में आप भी टॉस और मैच प्रीडिक्शन जाए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। इन दो टीमों के हेड टू रिकॉर्ड्स की बात करें तो इन दो टीमों के बीच जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं 6 मुकाबले सनराइज हैदराबाद को जीत मिली है, वहीं 4 मुकाबले पंजाब किंग्स की टीम जो है जीती है। वहीं आपको बता दूं इन दो टीमों के बीच जो लास्ट मैच खेला गया 17 अप्रैल 2022 को आईपीएल 2022 के सीजन में ही, जिस मैच में हुआ क्या था पंजाब किंग्स की टीम जो पहले बैटिंग कर 20 ओवर में जो है 151 ही बना पाई और अपने सारे विकेट जो है खो दिए। जब सनराइजर हैदराबाद की टीम जब इस लगा पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम जो 18 ओवर 5 गेंदे खेली 152 रन बना दी और केवल अपने 3 विकेट पर परिणाम सनराइज हैदराबाद टीम इस मैच को 7 विकेटों से जीत गए। लास्ट मैच में कौन सनराइज हैदराबाद की टीम जो है जीत कर आ रही है। बात करें हैदराबाद की बात करें दोनों टीमों की लास्ट मैच की, सनराइज हैदराबाद के लास्ट मैच की बात करें सनराइज हैदराबाद ने लास्ट मैच मुंबई इंडियंस के साथ खेली थी, जिसमें हुआ क्या था सनराइज हैदराबाद की टीम जो है पहले बैटिंग करते 20 ओवर 193 रन बना दी और केवल अपने 6 विकेट खोए। जब मुंबई इंडियंस की टीम जब इस जगह पीछा करने मुंबई की टीम जब 20 ओवर 190 रन ही बना पाई और अपने 7 विकेट खोए, परिणाम स्वरूप सनराइज हैदराबाद की टीम इस मैच को 3 रनों से जीत गई। यानी कि लास्ट मैच सनराइज हैदराबाद है मुंबई इंडियंस से जीत कर आ रही है। बात पंजाब किंग्स की तो पंजाब की लास्ट मैच जो किससे दिल्ली कैपिटल के साथ खेली, जिसमें हुआ क्या दिल्ली कैपिटल की टीम जो है पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 159 रन बना दी और केवल अपने 7 विकेट खोए। पंजाब की टीम जब इस जगह पीछा करने उतरी पंजाब की टीम जो 20 ओवर 152 रन बना पाई और अपने 9 विकेट खोदे, परिणाम स्वरूप पंजाब की टीम जो इस मैच को हारे दिल्ली कैपिटल की टीम जो इस मैच को 17 रनों से जीते। लास्ट मैच जो है पंजाब की टीम जो हार कर संजय हैदराबाद की टीम जो इस मैच को लास्ट मैच जीत कर आ रही है। टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें पता लगे कौन सी टीम जो बाजी मारती दिखाई दे, हेड टू रिकॉर्ड साफ साफ जो कौन सनराइज हैदराबाद की टीम जो बाजी मारती दिखाई दे। बड़ा ध्यान किसी मैच हेड टू मायने रखता है और बहुत सारे रिकॉर्ड मायने रखते हैं और इसमें कुछ अलग भी क्या अलग होने वाला वीडियो जरूर देखा पूरा पता लग जाएगा। ठीक है चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच की बात करें तो ये जो मैच है वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर इस स्टेडियम की पिच की बात करें ना कि फर्स्ट का जो एवरेज को 167 रन का है, सेकंड का जो एवरेज को 55 रन का है। बता दो इस पे खेलेगा लास्ट के 102 मैचों की बात करें ना तो 47% मैच जो पहले बैटिंग करने टीम जीती है, वही 52% मैच जो है पहले चेस करने टीम को इस पिच पर थोड़ा ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें इस स्टेडियम में खेलेगा लास्ट मैच की तो आपको बता दू तब इस में लास्ट में जो खेल खेला किसके बीच गुजरात टाइटन रोयल चैलेंजर्स के बीच 19 मई को, जिसमें हुआ क्या था गुजरात टाइटन टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 168 रन बना दी और केवल अपने 5 विकेट खोए। जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जब पीछा करने रॉयल चैलेंजर्स की टीम 18 ओवर 4 गेंदे ही खेली, ठीक है 170 रन बना दिए केवल अपने 2 विकेट खोए, परिणाम रॉयल चैलेंजर्स की टीम जो इस मैच को 8 विकेटों से जीत गई। लास्ट मैच इस में कौन चेस करने टीम जो जीत कर रही है, जो भी टीम जो है इस टॉस को जीतकर क्या चेस करने का फैसला लेते हुए दिखाई दे सकती है। चेस कर थोड़ा आसान हो जाता है और चेस करने टीम जो इस स्टेडियम थोड़ा ज्यादा जीते। चलिए बात करें दोनों बड़े प्लेयर मैच जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि कैसी मैच सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स की प्लेइंग। सबसे बात सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 की तो अगर सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग की बात करें सनराइज हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं अभिषेक शर्मा और प्रियाम गर्ग, थर्ड नंबर खेलते हुए दिखाई राहुल त्रिपाठी, फोर्थ नंबर पर एडिन मकरम, फिफ्थ नंबर पर निकोलस पूरन, सिक्स नंबर ग्लैन फिलिप्स, सेवन्थ नंबर सिंतो सुंदर, एट्थ नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, नाइन्थ नंबर फजूल फजूरी, वहीं टेंथ नंबर पर उरमान मलिक, वहीं इलेवंथ नंबर पर टीन एटा या कार्तिक त्यागी में से कोई एक खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11। वहीं बात करें पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की तो पंजाब किंग्स की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखाई जॉनी बेस्टो और शिखर धवन, थर्ड नंबर में आपको जो है कौन भानुका राजपक्षे शाहरुख खान को एक खेलते दिखाई दे सकते हैं, फोर्थ नंबर पर लैम लिमिस्टोन, फिफ्थ नंबर मयंक अग्रवाल, सिक्स नंबर पर जितेश शर्मा, सेवन्थ नंबर पर हरप्रीत बरार, एट्थ नंबर ऋषि धवन, नाइन्थ नंबर कगिशोर अवाड़ा, टेंथ नंबर राहुल चहर, वहीं इलेवंथ नंबर हर्षदीप सिंह। तो ऐसे में सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स की प्लेइंग बता दो पॉसिबल प्लेइंग 11 ठीक है। अगर इस प्लेइंग कुछ ही बदला होता है तो बता दो टीम चले मैच से पहले जिन्होंने टीम ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए बात कर रहे हैं दोनों को कौन सी टीम जो जीत सकते हैं सर ने, अगर आप भी टॉस मैच पर जाना चाहते हैं तो आप किससे फ्रीदी भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ अगर आपको बिल्कुल फ्री में टॉस मैच पर चाहिए ना तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर मिल जाएगा, ब्लू कलर लिंक होगा आपको टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में जो टॉस मैच प्रेडिक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है तो फटाफट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ब्लू कलर लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर
ज्वाइन कर लो, ठीक है, अभी के अभी जाके, ठीक है। चलिए बात करें दोनों मैच को, कौन सी टीम जो जीत से बता दो दोनों रिकॉर्ड्स और स्टार्ट को देखने का, जहां तक मुझे लगता है मैं कौन आपको पंजाब किंग्स की टीम जो इस मैच को जीतती दिखाई दे सकती है। बट आप एक बात, ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट जो नहीं है, मैच का फाइनल अपडेट है आपको मैच शुरू होने से पहले टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ठीक है। लेकिन जाने से पहले आप जाके जो डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक दे, फटाफट जो ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम जाने से पहले लाइक कर दे, चलो सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं, बाय।